बेहद रोमांचक मुकाबला। भारत के पास रन नहीं थे लेकिन जज्बा था गेंदबाजों में, आखिरी गेंद तक मैच को लेकर गए। आखिरी ओवर में दरअसल 14 रन बनने थे, ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी गेंद पर दुक्का भाग लिया और इस मुकाबले को जीत लिया। रोमांचक मैच लेकिन भारत की हार हुई है। एक वक्त 21 रन चाहिए थे तीन ओवर में, शानदार गेंद की उस ओवर मयंक मार्कंडे ने 5 रन दिए। फिर अगले ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 2 रन देकर 2 विकेट भी ले ली और आखिरी ओवर उमेश यादव का, जो कि वर्ल्ड कप की कंटेंशन में है, 14 रन चाहिए थे। आखिरी दो गेंदों में 6 रन चाहिए थे लेकिन चौका आया, उसके बाद आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे, गेंदबाज के पास से गेंद निकला, लॉन्ग ऑन जब तक पकड़कर उसको थ्रो करता तब तक देर हो चुकी थी और भाग कर 2 रन लेकर ऑस्ट्रेलिया आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर उस मैच को जीत गए। ये तो खैर ऑस्ट्रेलिया की पहली विकेट है, 5 रनों पर उनकी 2 विकेट गिर गई थी लेकिन सामने रन बहुत ज्यादा नहीं थे। एरन फिंच भी ज्यादा रन नहीं बना पाए, 127 रन का टारगेट था, भारत ने 126 बनाए थे। और आखिरी ओवर में आकर उमेश यादव पिट गए कहीं मरण जी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां पर 18वें ओवर में 5 रन आए हो, 19वें में 2 रन आए, आखिरी ओवर में 14 रन काफी होते हैं। क्योंकि देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि उमेश यादव गेंद कर रहे हैं इतना ज्यादा, 130-135 वनडे क्रिकेट खेल, 2020 क्रिकेट खेल चुका हुआ है। फिर भी मैं समझता हूँ कि ये मैच जो जहाँ तक भारतीय टीम ले आई थी वहाँ से जीतना चाहिए था, पर यह देखिए फिर भी मैं समझता हूँ कि भारत ने मैच बहुत अच्छा खेला है, क्योंकि 125 रन में 127 रन में आप जीतना बड़ा मुश्किल रहता है। फिर भी हमारे बॉलर्स ने इस मैच को बनाया है, पर यह है कि बीच में आकर जो हमने गलतियां की हैं उसकी वजह से हम मैच हार रहे हैं। क्योंकि देखिए जब एक सुनहरा पीरियड था जब विराट कोहली और केएल राहुल जो बैटिंग कर रहे थे, लग रहे थे कि बहुत अच्छा बैटिंग है, बट जब केएल राहुल आउट हुए हैं तब से मैं समझता हूँ वो गेम में एकदम चेंज हुआ है। क्योंकि अगर ये इस क्रिकेट में मैंने देखा है कि जो सेट बैट्समैन अगर वो आउट होता है तो आपके रन बनने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, बाद में देख लीजिए रन बना ही नहीं। और यही चीज तो ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुई ना, उन्होंने भी भले 5 रनों पर 2 विकेट गिर गई थी, फिर मैक्सवेल और दासी शॉट के बीच जो साझेदारी हुई, देखिए ये यहां से रन आउट हुए। फिर यहां से विकेट गिरती ही रही थी, 89 रन पर उनका तीसरा विकेट गिरा, फिर 101 पर चौथा, ये शानदार 1900 ओवर डाला था जसप्रीत बुमराह ने। पीटर हैंडकॉम को पहले आउट किया, अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और विकेट लिया, यानी कि उस ओवर में सिर्फ 2 रन आए थे। ये है आखिरी ओवर, running for everything. ये आखिरी गेंद है दरअसल। दो रन ही चाहिए थे उमेश यादव। खराब दिन हो सकता है, आपने 14 रन भी खाए, ये गेंद रुक भी सकती थी। फर्क ये है ना कि जिस तरीके से आपने अभी कहा 18वें ओवर में जब 5 आए हो, 19वें में 2 और विकेट गिरी हो, नया बैट्समैन क्रीज पे, उसको आइडिया नहीं है किस तरीके से किस गति से बॉल बैट पे आ रहा है या किस किस्म का उछाल है। आखिरी ओवर में 14 रन खाना वो आपको परेशानी का विषय है, क्योंकि आपको बतौर गेंदबाज पता होना चाहिए कि मेरी क्या रणनीति है, मैं किस तरफ बॉल करूंगा, मेरी फील्ड किधर है। आप चौका खा रहे हैं, ये आखिरी गेंद ध्यान से देखिए, ये रुकनी चाहिए अभी, ये रुक सकती थी, रुक जाती रन आउट हो जाता, आप 1 रन से मैच जीत जाते, टाई भी हो सकता था, लेकिन नतीजा ये है कि यहां पर दुक्का आया और भारत इस मुकाबले को हार गया है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।